डियर स्टूडेंट होप यू विल बी फाइन द टॉपिक फॉर टुडे डिस्कशन इज सिस्टम मैसेज सिस्टम मैसेज हैव नो चैनल नंबर एंड आर मैंट फॉर कमांड्स डेट आर नॉट चैनल स्पेसिफिक सच एज टाइमिंग सिग्नल फॉर सिंक्रोनाइजेशन पोजिशनिंग इन्फॉर्मेशन इज़ प्री रिकॉर्डेड इन मिडी सिक्वेंसिस एंड डिटेल्ड सेटअप इंफॉर्मेशन फॉर द डेस्टिनेशन डिवाइस देखिए जो भी हमारे सिस्टम मैसेजेज होते हैं इनके पास में कोई चैनल नंबर नहीं होता है और इनका जो बेसिक वर्क है वो ये है कि ये कुछ कमांड्स देते हैं जैसे डिवाइसेस के बीच में आपको सिंक्रोनाइजेशन करना है उनकी पोजिशनिंग करनी है पहले से ही कोई प्री रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन है या मिडी सीक्वेंस है या फिर हमारे पास में पहले से कोई डिटेल सेटअप इंफॉमेशन है जो कि हमें किसी डेस्टिनेशन डिवाइस को प्रोवाइड करानी है ये हमारे सिस्टम मैसेजेस इस वर्क में आते हैं स्टूडेंट्स जो हमारे सिस्टम मैसेजेस होते हैं इनको भी बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड किया गया है जैसे हमारे पास में सिस्टम कॉमन मैसेजेस होते हैं जिसमें मिडी टाइमिंग कोड्स होते हैं सॉन्ग पोजीशन पॉइंटर होता है सॉन्ग सेलेक्ट होता है ट्यून रिक्वेस्ट होता है और टर्मिनेटर्स होते हैं यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास में एक ओ पी कोड दिया होता है देखिए जो भी हमारे सिस्टम मैसेजेस होते हैं वहाँ पर हमारे पास में एक कमांड होगी कमांड मींस वहाँ पे हमारे पास में एक ऑपरेशन कोड होगा वो ऑपरेशन कोड जितने भी सिस्टम मैसेजेस होते हैं ये एड्रेस ऑफ एच एफ से स्टार्ट होता है सिस्टम मैसेजेस को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है सिस्टम कॉमन मैसेजेस होते हैं हमारे पास में सिस्टम रियल टाइम मैसेजेस होते हैं हमारे पास में और सिस्टम एक्सक्लूसिव मैसेजेस होते हैं तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम कॉमन मैसेजेस की देखिए जो हमारे सिस्टम के कॉमन मैसेजेस हैं मींस जैसा कि हमें इसके लिटरल वर्ड से ही पता चल रहा है कि इनका जो बेसिक वर्क होगा वो टाइमिंग रिलेटेड होगा मींस अगर हमारे पास में दो मिडी डिवाइस हैं तो उनके बीच में ट्यूनिंग कैसे की जाएगी अगर कोई सॉन्ग है तो कौन से पर्टिकुलर पोजीशन पे वो पॉइंट आउट कर रहा है कौन सा सॉन्ग सेलेक्ट करना है कौन सी ट्यून को रिक्वेस्ट किया गया है और फिर किस तरीके से उसको टर्मिनेट किया जाए स्टूडेंट्स दीज आर द मैसेजेस विच रिलेट टू टाइमिंग और पोजीशनिंग ये जो हमारे मैसेजेस होते हैं ये टाइमिंग और पोजिशनिंग से रिलेटेड होते हैं यहाँ पर हमारे पास में एक सॉन्ग पोजिशन पॉइंटर होता है जिसका बेसिक वर्क होता है बीट्स को मेज़र करना स्टूडेंट्स द मैसेज डिटर्मिन्स वट इज़ टू बी प्लेड अपॉन रिसिप्ट ऑफ ए स्टार्ट कमांड यहाँ पर ये यह जो सिस्टम के कॉमन मैसेजेस होते हैं ये फाइंड आउट करते हैं कि अगर कोई कमांड आई फॉर एग्जाम्पल इस्टार्ट कमांड आई तो हमें कौन से सॉन्ग को प्ले करना है कौन से नोट को प्ले करना है कौन सी डिवाइस पर पर्टिकुलर डिवाइस को इनिशिएट करना है जिससे कि पर्टिकुलर नोट या फिर पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस हो सके स्टूडेंट्स सिस्टम कॉमन मैसेजेस को फाइव टाइप्स में डिवाइड किया गया है हमारे पास में मिडी टाइमिंग कोड मैसेजेस होते हैं ये जो हमारे स्टार्ट होते हैं देखिए स्टेटस बाइट मैंने आपको बताया था जितने भी हमारे मैसेजेस होते हैं वो थ्री बाइट्स के होते हैं जिसमें एक हमारे पास में स्टेटस बाइट होती है एक हमारे पास में डेटा बाइट होती है जो कि हमें चैनल नंबर बताता है और एक हमारे पास में क्या होता है बाइट uh, होता है जो कि पर्टिकुलर ऑपरेशन को दिखाएगा लेकिन जो हमारे सिस्टम मैसेज होते हैं ये केवल और केवल हमारे क्या होते हैं वन बाइट डेटा के होते हैं स्टूडेंट्स ये स्टार्ट होते हैं हमारे एड्रेस ऑफ एच एफ़ एच हेक्साडेसिमल कोड को दिखाएगा नंबर ऑफ़ डेटा बाइट्स कितनी होती हैं इसमें वन होती हैं हमारे पास में सॉन्ग पोजिशन पॉइंटर है तो उसमें हमारे पास में कितनी बाइट्स होंगी नंबर ऑफ़ डेटा बाइट्स टू होंगी किसी सॉन्ग को सिलेक्ट किया गया है तो वहाँ पर हमारे पास में नंबर ऑफ़ बाइट्स कितनी होंगी वन होंगी तो इनको रिक्वेस्ट करना है तो यहाँ पे हमारे पास में ये डेटा सेव नहीं होता है किसी पर्टिकुलर सॉन्ग को टर्मिनेट करना है तो ये वाला डेटा भी यहाँ पे सेव नहीं किया जाता है मींस इनका कोई साइज़ नहीं होता है स्टूडेंट्स हमारे पास में जो सिस्टम कॉमन मैसेजेस होते हैं इनका जो बेसिक वर्क है ये प्राइमरली डील करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट पर जो ऑन बोर्ड सिक्वेंसर हैं या फिर जो ड्रम मशीन्स हैं वो किस तरीके से वर्क करें हो सकता है कि पहले से ही इसमें कोई प्री रिकॉर्डेड सिक्वेंस दिया गया हो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी मिडी डिवाइसेस होती हैं उनको प्रोग्रामेटिकली भी रन कराया जा सकता है मीन्स ये हमारी प्रोग्रामेबल डिवाइसेस होती हैं स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि मिडी डिवाइसेस में किस तरीके से हमारे पास में ऑन बोर्ड जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑन बोर्ड स्टेटस क्या है यहाँ पर मॉड्यूलेशन व्हील्स होते हैं पिच बैंड व्हील्स होते हैं सिंथेसाइजर्स होते हैं सिक्वेंसर्स लगे होते हैं साउंड को आपको इंक्रीज़ करना है डिक्रीज़ करना है तो उसके लिए यहाँ पे एक पिच लेवल बैंड बटन होता है जिसकी हेल्प से आप उस साउंड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम सिस्टम कॉमन मैसेज़ में जो एग्ज़ाम्पल है डेट इज़ सॉन्ग पोजिशन पॉइंटर इसके बारे में बात करते हैं देखिए यहाँ पर जो भी डेटा होगा जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास में मिडी टाइमिंग कोड है वो वन बाइट ऑफ डेटा ले रहा है सॉन्ग पोजिशन पॉइंटर है वो आपका टू बाइट ऑफ डेटा ले रहा है सॉन्ग सेलेक्ट है वो आपका वन बाइट ऑफ डेटा ले रहा है तो देखिए ये जो बेसिकली डेटा जो सेव होता है या फिर डेटा बाइट जो सेव होती है वो रजिस्टर्स में सेव होती है और रजिस्टर्स जो हैं वो आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट हैं डेटा को होल्ड करने के लिए तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ ए रजिस्टर डैट होल्ड द नंबर ऑफ मिडी बीट्स सिंस द स्टार्ट ऑफ ए सॉन्ग मीन सिक्वेंसर देखिए सॉन्ग पोजिशन पॉइंटर जो होता है वो होल्ड करता है कितने नंबर ऑफ़ मिडी बीट्स हैं फोर बीट्स हैं फाइव बीट्स हैं सिक्स बीट्स हैं जैसे ही सॉन्ग स्टार्ट होता है देखिए सिक्वेंसर के बारे में आपको बताया गया कि सिक्वेंसर जो होता है वो सारी की सारी मिडी डिवाइसिस को सिंक्रोनाइज़ करने के काम में आता है स्टूडेंट्स अदर सिस्टम कॉमन मैसेजेस सिलेक्ट विच सॉन्ग टू प्ले एंड ऑल्सो ए ट्यून रिक्वेस्ट फॉर एनालॉग सिंथेसाइजर टू ट्यून देयर ऑसिलेटर्स इसमें हमारे पास में और भी कॉमन मैसेजेस होते हैं जिनका बेसिक वर्क होता है कि कौन सा सॉन्ग प्ले करना है कौन सी ट्यून रिक्वेस्ट की गई है स्टूडेंट्स जैसे कि हमारे पास में एनालॉग सिंथिसाइज़र्स होते हैं ट्यून ऑसिलेटर्स होते हैं देखिए नॉर्मली आपने देखा होगा कि आपके पास में जो मल्टी मीडिया फ़ोनस होते हैं इनमें भी हमारे पास में क्या होता है आप वहाँ पर रेंडमली सॉन्ग को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप आप एक सिकवेंस बना दीजिए लिस्ट तैयार कर दीजिए इनसाइड द म्यूज़िक प्लेयर जो भी आपने आप इंस्टॉल किया है तो वो जो सॉन्ग होंगे उस सीक्वेंस से आएंगे इट मीन्स यहाँ पे जो हमारा सॉन्ग पोजिशन पॉइंटर है वो एक मेज़र रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास में एक लार्ज नंबर ऑफ बीट्स होती हैं जो हमारा सॉन्ग पोजिशन पॉइंटर है वो टू बाइट ऑफ डेटा को यूज़ करता है इट मीन्स हमारे पास में फोर्टीन बिट मैसेज होता है सिमिलर होता है पिच बैंड की देखिए आपको बताया गया था पिच बैंड जो होता है वो आपका हाफ डुप्लेक्स होता है मीन्स अगर यहाँ पे फोर्टीन बिट्स यूज हो रही हैं तो मीन्स यहाँ पे क्या किया गया जो हमारा पिच बैंड होगा वो आपका कितने पे होगा सेवन बिट पे होगा यानी कि हम हाफ डुप्लेक्स मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिस्टम रियल टाइम मैसेजेस के बारे में देखिए जैसा कि आपको बताया गया रियल टाइम मैसेजेस इसके नेम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर मैसेजेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होगा जो भी लाइव एक्टिविटी होगी उस एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए उस एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने के लिए इन मैसेज का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास में बहुत सारे मैसेजेस होते हैं जैसे हमारे पास में एक टाइमिंग क्लॉक होती है हमारे पास में स्टार्ट सीक्वेंस होता है हमारे पास में कंटिन्यू सीक्वेंस होता है हमारे पास में स्टॉप सीक्वेंस होता है हमारे पास में एक्टिव सेंसिंग होती है और सिस्टम रीसेट होता है ये इसकी स्टेटस बाइट होती है मैंने आपको पहले ही बताया है कि जितने भी हमारे सिस्टम मैसेजेस होते हैं वो एड्रेस एच से स्टार्ट होते हैं और ये बेसिकली क्या है इनका ऑपरेशन कोड होता है नाउ स्टूडेंट्स टाइमिंग क्लॉक मीन्स कौन से समय पर कौन सा सॉन्ग प्ले करना है स्टार्ट सीक्वेंस कहाँ से सॉन्ग प्ले करना है उस सीक्वेंस को आप कंटिन्यू रखना चाहते हो देखिए कंटिन्यू ने देखा होगा कि हम सॉन्ग को रीप्ले करते हैं डेट इज़ द कंटिन्यू सिक्वेंस स्टॉप सीक्वेंस होता है कहाँ पे आपको सॉन्ग को स्टॉप करना है इनमें एक्टिव सेंसिंग क्या क्या है ये इन सारी बातों का भी ध्यान रखा जाता है और सिस्टम को आप दोबारा यहाँ पर रीसेट भी कर सकते हैं क्योंकि ये जितने भी हमारे पास में मिडी डिवाइसेस होती हैं उन सबको हम प्रोग्रामेबली प्रोग्रामेटिकली और प्रोग्रामेबली असेंबल कर सकते हैं स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं रियल टाइम मैसेजेस की रियल टाइम इंक्लूड इंक्लूडेड टाइमिंग क्लॉक इसमें एक टाइमिंग क्लॉक होती है विच सेंड 24 फोर पर क्वार्टर नोट इट मीन्स यहाँ पे जो देखिए नॉर्मली हमारे पास में दो तरीके के मोड होते हैं एक ट्वेल्व आवर मोड होता है 24 ट्वेंटी फोर आवर मोड होता है तो उसमें ट्वेंटी फोर पर क्वार्टर मोड नोट जो होता है वो निशलाइस होता है रियल टाइम मैसेज कैन ऑलसो सेंड ए स्टार्ट एंड स्टॉप मैसेज टू एन ऑन बोर्ड सिक्वेंसर अगर आपने कोई ऑन बोर्ड सिक्वेंसर लगाया हुआ है तो रियल टाइम स्टार्ट एंड स्टॉप मैसेजेस भी भेज भेज सकते हैं देखिए आपने देखा होगा कि अगर कहीं पे लाइव मैच चल रहा होता है जैसे कि हमारे पास में एक क्रिक ब्रिक ब क्रिक बस साइट है तो कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली वहाँ पे रिफ्रेशमेंट होती रहती है इसका बेसिकली मतलब क्या है कि वहाँ पे एक्टिव सेंसिंग है एक्टिव सेंसिंग जो होती है वो आपकी एक ऑप्शनल मैसेज होता है इसकी जो स्टेटस बाइट होती है वो 300 हंड्रेड की होती है और जब कोई मीडिया एक्टिविटी नहीं हो रही होगी तो वहाँ पे एक्टिव सेंसिंग मैसेज का आप यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास में आते हैं सिस्टम एक्सक्लूसिव मैसेज मैंने आपको बताया तीन टाइप के हमारे पास सिस्टम मैसेजेस होते हैं सिस्टम कॉमन मैसेजेस सिस्टम रियल टाइम मैसेजेस एंड सिस्टम एक्सक्लूसिव मैसेजेस ये हमारे फ़ाइनल टाइप ऑफ सिस्टम मैसेजेस हैं सिस्टम एक्सक्लूसिव मैसेज इज़ इंक्लूडेड सो डैट मैनुफैक्चर कैन एक्सटेंड द मिडी स्टैंडर्ड ये जो ये जो हमारे एक्सक्लूसिव मैसेजेस होते हैं इनका बेसिक वर्क ये होता है कि जो हमारी मिडी डिवाइस के स्टैंडर्ड्स को एक्सटेंड करना आपने देखा होगा कि कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च होता है मार्केट में तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन कुछ ना कुछ एडवांसमेंट होते रहते हैं आपने देखा हो तो फीडबैक मैसेजेस लिए जाते हैं वो आपके सिस्टम एक्सक्लूसिव मैसेजेस में आते हैं स्टूडेंट्स आफ्टर द इनिशियल कोड दे कैन इंजर्ट ए स्ट्रीम ऑफ एनी स्पेसिफिक मैसेज डेट अप्लाई टू देयर ओन प्रोडक्ट ए सिस्टम मैसेज सपोज टू बी टर्मिनेटेड बाई ए टर्मिनेटर बाइट। द टर्मिनेटर इज ऑप्शनल एंड द डेटा स्ट्रीम मे सिंपली बी एंडेड बाय सेंडिंग द स्टेटस बाइट ऑफ द नेक्स्ट मैसेज देखिए ये जो हमारे सिस्टम मैसेज होते हैं इनको आप टर्मिनेट भी कर सकते हैं देखिए जो भी फीडबैक मैसेजेस होते हैं वहाँ पे ऑप्शन आता है पहले आपके पास में कि डू यू वांट टू सेंड एनी रिपोर्ट टू द पर्टिकुलर मैनुफैक्चर आपने देखा होगा कि अगर आप विंडोज़ पे वर्क कर रहे होते हैं और वहाँ पे कुछ अगर एरर आती है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वर्ड पर वर्क कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एक विंडो ओपन होती है इस पर लिखा होता है कि डू यू वॉन्ट टू सेंड दिस एरर रिपोर्ट टू द माइक्रोसॉफ्ट तो आप वहाँ पे क्या कर देते हैं आप चाहें तो उस सिस्टम मैसेज को भेज सकते हैं उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के पास में या फिर आप उसको स्टॉप भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स सिस्टम एक्सक्लूसिव मैसेज जो होते हैं वो आपके फीडबैक लेने के काम में आते हैं मैं आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों टाइप्स ऑफ द सिस्टम मैसेजेस समझ में आए होंगे सिस्टम कॉमन मैसेजेस सिस्टम रियल टाइम मैसेजेस सिस्टम एक्सक्लूसिव मैसेजेस थैंक यू वेरी मच